नमस्कार दोस्तों, जिस चीज़ का उम्मीद हम लोग 2014 से कर रहे थे, जी हाँ दोस्तों, 2014 के बाद पुतिन और रूस थोड़ा बहुत पाकिस्तान को अहमियत देना शुरू कर दिया था, चीन को अहमियत देना शुरू कर दिया था। और बड़ी बात तो यह है, हम लोग बोलते गए देखो भैया समय आएगा तो हम तुम्हें बचाएंगे, और दोस्तों पुतिन सुनता नहीं था, रूस सुनता नहीं था, थोड़ा बहुत पाकिस्तान का गुण भी गया, थोड़ा बहुत हथियार भी बचा। और दोस्तों हम लोग समय का इंतजार कर रहे थे कि जब समय आएगा तो रूस का उसका जो असलियत है वो बताएंगे। बड़ी बात क्या दोस्तों, हम लोग रूस को कुछ नहीं बताया, हम लोग रूस को अभी भी मित्र मानते हैं, सच्चा दोस्त मानते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, रसिया में पिछले दो दिनों से एक बड़ा मोर्चा खुल गया है, रूस के लोगों ने ओपनली मैदान में आके पुतिन को घेरा है, बोल दिया है कि पुतिन चाहे कुछ भी कर ले, पुतिन चाहे जिससे भी लड़ रहे, लेकिन भारत को कभी भी अगर इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो पुतिन को उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों रूस के लोगों ने पहले कहा कि भारत के बिना रूस का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत के बिना रूस चल ही नहीं सकता है, भारत रूस के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। और पहले कहा कि पाकिस्तान से जो भी संबंध है उसे तोड़ो, पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के भगाओ, पाकिस्तान का अंत कर दो, पाकिस्तान और चना गद्दार है, धोखेबाज है, और एक बार फिर से हमें धोखा दिया है। आखिरकार पाकिस्तानियों पर हम लोग इतना भरोसा क्यों किए थे, पाकिस्तान ने तो अपना औकात दिखाई दिया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बात रशियन सरकार दोस्तों पिछले कुछ दिन से जान चुका है कि पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है, चीन हमें धोखा दे रहा है, लेकिन पहली बार रूस के लोगों ने मोर्चा खोला है कि पाकिस्तान चीन से संबंध पूरी तरह से कट करो और भारत को अपना राइट हैंड बनाओ। दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बता, आखिरकार हुआ क्या है और पाकिस्तान ने क्या फिर से गद्दारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आज से महज एक दिन पहले एक बहुत बड़ा गद्दारी किया है, जिस गद्दारी का फल अब उसे हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाला है। अब रसिया पाकिस्तान का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का अब अंत हो जाएगा। और चीन बौखलाया हुआ, आखिरकार ये हो कैसे गया, पाकिस्तान ने ऐसा कर कैसे दिया। दोस्तों पाकिस्तान ने चीन का भी बात नहीं माना। दोस्तों आखिरकार हुआ क्या, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग बता दूं, मित्रों आप लोग वीडियो पूरा देखते रहें, वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग का एक लाइक कमेंट और शेयर से हमें यकीन होता है। चलो भैया, कई सारे मित्र जिसे ये वीडियो पसंद आता है, और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आ चुका है, इमरान खान का अंत होना तय हो चुका है, और बड़ी बात यह है इसीलिए पाकिस्तान का जो जनरल बाजवा है, जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा है, उन्होंने ओपनली एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, कल ही पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा ने कहा कि भैया रूस क्या है, रूस कुछ नहीं है, रूस का औकात दिखाना पड़ेगा, रूस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, रूस यूक्रेन पर हमला किया है, रूस ने यूक्रेन को बर्बाद किया है, लोगों को मारा है, रूस को अब सबक सिखाना होगा, तमाम यूरोप अमेरिका मिलकर रूस पे हमला करो। और रूस को मैं चेतावनी देता हूँ, जितना जल्दी हो सके रूस वाले पीछे हटे, यूक्रेन को छोड़ के भागे, माफ़ी मांगे, नहीं तो तुम्हारा अंत करेंगे। जो हाल सोवियत संघ का किए थे वही हाल फिर से रूस का करेंगे। ये पाकिस्तान दोस्तों ओपनली कहा, कौन बोला, पाकिस्तानी आर्मी जनरल बोला, बाजवान बोला। दोस्तों सिंपल बात कहते हो, पाकिस्तान में आज भी सरकार केवल कठपुतली होता है, केवल दिखावा होता है, असली में तो सरकार वहाँ का जो आर्मी जनरल होता है ना बाजवा, वही है दोस्तों, चाहे जो भी हो आर्मी चीफ हो दोस्तों वही होता है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी जनरल बाजवा का बयान सुन के पूरे दुनिया हिल गया है कि रातों रात किस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों ने रातों रात अपना पाला बदला है। जी हाँ दोस्तों, इमरान का अंत देखे अब पाकिस्तानी आर्मी समझ चुका है कि हमारे सामने में एक ही ऑप्शन वो है अमेरिका। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब पाकिस्तान अमेरिका का गुण गाना शुरू ही नहीं कर दिया, बोल दिया कि अमेरिका हमारा सबसे सच्चा मित्र है, हम किसी को नहीं मानते हैं, चाइना उना तो बेकार की बातें हैं, ये लोग तो कभी हमें यूज किया है, अमेरिका सच्चा मित्र है। दोस्तों ये रातों रात जो हुआ है ना, दुनिया हैरान, आखिरकार ये चल क्या रहा है, आखिरकार पाकिस्तान में इतना बदलाव कैसे आ गया। दोस्तों सिंपल सी बात कहे तो, दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि इमरान खान का अंत आ चुका है, और जो जो लोग इमरान के साथ रहेगा ना उसका भी अंत होगा, इसलिए सब लोग अब इमरान से हाथ छुड़ा के भाग रहा है, पला झा रहा है और अमेरिका गोद में सब जा रहा है, ताकि उसका जान बच सके, जान बख्शा जा सके। अब आप बोलेंगे तो रूस में क्यों विद्रोह हो गया है। दोस्तों आप जानते हैं, आज से महज एक दो दिन पहले दोस्तों रूसी विदेश मंत्री भारत आए थे, जिस समय रूसी विदेश मंत्री भारत में बड़े बड़े बयान दे रहे थे,
बोल रहे थे भारत हमारा सच्चा मित्र है, भारत को हम सब कुछ देंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बार रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को हम सब कुछ देंगे, चाहे भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, स्पेस क्षेत्र में मदद चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। भारत अमेरिका के पास ना जाए, भारत को वो सब कुछ दूंगा जो मेरे पास है। दोस्तों पहली बार रूस वाले दिल खोल के बोला है और यहाँ तक बोल दिया कि भारत ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है, भारत ने फिर से दिल जीता है और हमें आज यकीन हो गया है कि चाहे हमारे दोनों के बीच में कितना भी लोग झगड़ा लगाने का प्रयास करें, चाहे अमेरिका चीन कुछ भी करे, कितना ही फूट डाले, लेकिन भारत और रूस का रिश्ता खराब नहीं होगा। यहाँ से स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। दोस्तों ये बात आज से दो दिन पहले रूसी विदेश मंत्री भारत में बोल रहे थे और बड़ी बात यह है उसी दौरान ये पाकिस्तानी जनरल बाजवा दोस्तों रूस को घेर रहा था, बोल रहा था कि रूस तो अटैक कर दिया यूक्रेन पे, रूस धरती का बोझ है, रूस दुनिया के लिए खतरा है, रूस को मिटाओ। दोस्तों इस तरह का बयान कौन दे रहा था, वो पाकिस्तानी जनरल बजवा दे रहा था और ये बात दोस्तों रूस तक गया है, पूरे दुनिया तक गया है कि एक तरफ जहां भारत और रूस का संबंध बढ़ रहा है, दूसरी ओर ये पाकिस्तान वाले अपना रंग दिखा रहा है और अमेरिका का पूरी तरह से पक्ष में वो जा चुका है। अब यहां पे कई सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार रूसी लोग कहना क्या चाह रहा है। दोस्तों रूसी लोग, रूसी थिंक टैंक, रूसी मीडिया बोल रहा है कि आखिरकार पुतिन को पाकिस्तान पर इतना भरोसा कैसे था, इमरान खान को पाकिस्तान से रूस बुलाया, हर जगह इमरान खान को अहमियत दे रहा था, आखिरकार पुतिन चीन भरोसे क्यों बैठ गया। दोस्तों चीन को लग रहा था कि पाकिस्तान मेरे साथ साथ घूमेगा और पाकिस्तान चाइना रूस का साथ देगा, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार पाकिस्तान रूस का साथ छोड़ चुका है। तो यही बात वहाँ के लोग बोल रहा है कि पाकिस्तान पर न तो हमें पहले भरोसा था न अब है, जो पाकिस्तान हमें टुकड़ा टुकड़ा किया, सोवियत संघ को तोड़ने में अमेरिका के साथ दिया, आखिरकार उस पर हम भरोसा कैसे कर लिए, और अपने सच्चा मित्र जो जिगरी दोस्त है भारत उससे नाराज किए और पाकिस्तानियों को हमने कई जगह प्रमोट भी किया, पाकिस्तान में हम गैस पाइपलाइन बिछाने का भी प्रयास किया, आखिरकार भारत को नाराज करके हमें फायदा क्या मिला। जो भी गलती हुआ है उसे हम लोग यहाँ से सुधारना पड़ेगा और पूरी तरह से भारत और रूस को एक कर देना होगा। दोस्तों ये बात रूस के लोग बोल रहा है और बड़ी बात यह है ये हम लोग के लिए फायदा ही फायदा है। दोस्तों अब बोलेंगे कैसे, देखिए पाकिस्तान जितना अमेरिका के पास जाएगा ना दोस्तों चाइना उतना डाउन होगा। चीन को पता है कि पाकिस्तान एक उदंड देश था जो पैसा पे कुछ करने वाला था, वो तो अब अमेरिका गुलाम फिर से बन रहा है और चीन को पता है कि अमेरिका भारत अभी एक जैसा है क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका भारत को छोड़ ही नहीं सकता है, एशिया में भारत के बिना कोई आगे चल ही नहीं सकता है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, नेटो हो, यूरोप हो, तो अमेरिका का मजबूरी है भारत का सामना। और चीन को पता है कि जब पाकिस्तान भी अमेरिका का गुलाम बन चुका है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप दोस्तों देखेंगे चाइना पूरा प्रयास करेगा भारत को शांत करने का, भारत से मित्रता बनाने का। जी हाँ दोस्तों आप देखेंगे महज एक से दो सालों में भारत के ऊपर चीन का दोस्तों बहुत प्यार बरसेगा, देखेंगे चीन अब हर जगह भारत का तारीफ करेगा, बोलेगा भारत अच्छा पड़ोसी है, अच्छा देश है। दोस्तों इस तरह की बातें अब चाइना करना शुरू कर देगा और भारत को पूरी तरह से मनाने का प्रयास करेगा। और आप देखेंगे दोस्तों जितना दिन पाकिस्तान और अमेरिका नज़दीक रहेगा उतना ही दिन चाइना भारत को तारीफ करता रहेगा। दोस्तों जिस दिन ये पाकिस्तानी चीन का फिर से हाथ थामेगा उस दिन चाइना फिर से अपना रंग दिखाना शुरू करेगा।